छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मजबूत करने में लगी हुई है। इसको लेकर समय समय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के अलावा प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज सरायपाली नगर के अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा BLA प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के सभी BLA पदाधिकारी, महिला प्रकोष्ठ, NSUI समेत कई सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। आज सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, जिसमें हमारे श्री विजय सिंगला जी बागबाड़ा के निवासी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर भेजा गया था और उनके द्वारा आज बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है, जो आगे चल करके 2023 के चुनाव में हमारे अच्छी तरह काम कर सकते। इसकी वजह से आज ट्रेनिंग ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित था BLA को प्रशिक्षण शिविर। अब की बात 75 पार लेकर हम चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र बघेल की सरकार बनेगी। आज जितनी भारी तादाद में हमारे BLA भाई लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता महिला कांग्रेस के लोग आई थे, इससे ये स्पष्ट जाहिर है कि कांग्रेस में भारी उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर के। और राहुल गांधी को जो सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है उसे लेकर भी बहुत उत्साह है और आज जो उनकी संसद की सदस्यता बहाली की गई है उसको लेकर भी कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है और पूरे जोर शोर से हम पुनः मैदान में जाएंगे और कांग्रेस को विजय से मिलाएंगे।